अच्छा भाई, कैंट स्टेशन पहुंच गए। तकरीबन 9:10 हो रहे हैं, 10 बजे की ट्रेन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गए। अच्छा भाई, स्टेशन पहुंच गए और अभी जो है ना फुल गेमा गेमे हो रही है इस वक्त। अच्छा भाई, ट्रेन आ गई है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, अब जो है वो थोड़ा लंबा सफ़र है और सफ़र जो है वो ट्रेन का है, और इस दफ़ा हमने ग्रीन लाइन से जाने का प्रोग्राम बनाया है और फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रीन लाइन से जा रहे हैं। फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का सफ़र रहता है, और सफ़र में जो जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो भाई बाथरूम भी दिखा दूँ, ये हालत चेक करें, ग्रीन लाइन है और टिकट जो है ज़बरदस्त है, और बाथरूम की हालत चेक करें, ये नीचे कम्बोर्ड भी जो है वो टूटा हुआ है, तो ये हालत है यहाँ पर। अच्छा भाई, तकरीबन अभी 10:15 हो रहे हैं और 10:15 जो है वो ट्रेन चल पड़ी है कराची स्टेशन से। अच्छा भाई, 4:50 तक आप कह सकते हो कि लाहौर पहुंच गई थी, लेकिन पता नहीं किसी वजह से जो है वो स्टेशन से पहले जो है वो रुक गई, और आई थिंक 10 मिनट वहां पे रुकी रही, और उसके बाद अब जो है वो 5:10 हो गए हैं और अब जाके जो है वो स्टेशन के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब फिर और लेट हो जाएगी, तो यही सीन चल रहा है। जब ट्रेन लेट होती है, हम लोग बचपन से हम लोग ये चीज़ें फेस की हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होती है। ये वाला सीन चल रहा है कि लेट से लेट ही होती जा रही है, अब वो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन या परेशानी इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारा वैसे ही टाइम जो है वो रात का टाइम था, 8 बजे का टाइम था, अब 8 बजे के बाद 10 बजे पहुंचेगी तो और उससे फिर और लेट होगी, तो फिर और रात होती जा रही है। जितनी ज़्यादा रात होगी या जितनी ज़्यादा लेट होगी उतना फिर डिले होता रहेगा, और हम लोगों को फिर उससे आगे भी जाना है, उससे आगे भी तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता है, तो घर पहुँचते पहुँचते 11:30 हो सकता है, 12 भी बज जाए। लाहौर आते ही जो है वो जो बेचने वाले हैं चीज़ें वाले खाने वाले वो ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने अभी आके जो है ना एक बंदे ने ये ब्रोशर दिया, तो ये खासियत होती है कि लाहौर आ गया और बड़ा स्टेशन आया, तो उसमें ये होगा कि फिर आपको ये चीज़ें वाले भी आना शुरू हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कुछ चाहिए। अब इसमें फास्ट फूड और दूसरे आइटम है, सो ये अभी देखे गए, अभी इसको मैं देखता हूँ कि कुछ ऑर्डर करना है या नहीं करना। आ जाओ, चेक करें लाहौर के स्टेशन पर यार। ट्राई के लिए भाई ये वाला जिंगर मंगवाया है, 2-3 लोग आ गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं लाइन से जो है वो, ये डिफरेंट उनके पास मेन्यूज़ थे, बल्कि ऑलमोस्ट सिमिलर मेन्यूज़ थे, और उसमें जो है वो जिंगर ही मुझे समझ में आया, मैं चलो जिंगर ट्राई कर लेता हूँ, तो एक बंदे से 2 जिंगर मंगवाए, उसको हाफ कट करवाए, तो ये ट्राई कर लेंगे, और ये 2-3 दाने उसमें फ्राइज़ के पड़े हुए हैं, और ये 380 का है, जस्ट फॉर द आइडिया कि भाई कितने का है, ये 380 का है। 2 ये मंगवाए एक बंदे से, और एक और बंदे से मंगवाए ताकि उसका भी टेस्ट ट्राई हो जाए, वो बट वाला है तो उसका भी जिंगर मंगवाया। अच्छा भाई, लाहौर से निकल गए और तकरीबन अभी 6:45 हो रहे हैं, और होपफुली 10:15-10:30 तक पिंडी पहुंच जाएंगे, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो कि क्वाइट लेट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी जो है वो 2.25 घंटे लेट ही है, बस ये कि अल्लाह करे कि इससे ज़्यादा लेट ना हो। और जहाँ तक जो हमने जिंगर बर्गर मंगवाए थे ट्रायल के लिए, वो उसका रिव्यू की अगर बात करूँ तो वो जो है कोई ख़ास नहीं थे, सिर्फ एक जो था वो बेहतर था, 2 जगह से मंगवाया था, एक जगह से मैंने 2 मंगवाए थे, और एक जगह से बट के नाम से, बट फूड के नाम से, या बट के नाम से कोई फूड है या फास्ट फूड है, वहाँ से मंगवाए थे, तो उसका तो बिल्कुल ही जो है कोई ख़ास नहीं था। लाहौर में स्टॉप करते हैं, और लाहौर में बहुत ज़्यादा खाने वाले आते हैं, और अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं अपने ट्राई करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाए, और चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन पॉसिबल है कि कहीं पर किसी का टेस्ट भी अच्छा हो किसी आइटम का। हमने जिंगर बर्गर मंगवाया था, जिंगर बर्गर कोई खास लगा नहीं, एक जगह से फिर भी मुनासिब, लेकिन बट वाले का बिल्कुल ही जो है ना वो कोई टेस्ट नहीं समझ में आया, और चिकन भी पुराना ही लग रहा था, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे टेस्ट समझ नहीं आया। तो आप अपने तौर पे अगर आपको लगता है कि यार कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए तो यू कैन ट्राई दैट, पर हर बंदे की अपना टेस्ट होता है, सो पॉसिबल है कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। बट एनीवेज लाहौर से निकल गए, और अब लाहौर से निकलने के बाद जो है जो इनकी लास्ट आई थिंक सर्विंग है वो है चाय और समोसा ग्रीन लाइन के अंदर जो है, तो समोसे आ गए, हम समोसे दिखाता हूँ। एक डब्बे के अंदर 2 समोसे हैं, जिस तरह कराची के अंदर कीमे का समोसा मिलता है तिकोन शेप का, उस तरह का समोसा, और थोड़ी देर में हो सकता है कि चाय भी आ जाए, तो शाम की जो सर्विंग है जो लास्ट सर्विंग है उसमें चाय और समोसे हैं। हम इस तरह की पैकिंग के अंदर जो है वो समोसे आए, और ये तिकोन शेप के समोसे हैं, और 2 समोसे इसके अंदर हैं, आई डोंट नो ये आलू के हैं, कीमे के हैं, चिकन के, अभी ट्राई करेंगे तो पता चलेगा किस चीज़ के हैं, बट इस तरह के, और समोसे जो है वो ठंडे हैं। और एक और चीज़ भी बताता चलूँ, जब ये दोपहर को जब लंच भी उन्होंने सर्व किया था तो वो भी ठंडा था, तो उसमें से 2 लंच तो वैसे ही हमने वापस कर दिए थे, और एक गर्म करवा लिया था, लेकिन जो गर्म भी करवाया उसका भी कोई खास, ऑब्वियसली जब खा चुके थे कोई खास मज़ा आया नहीं, जो भी चीज़ आ रही है वो ठंडी आ रही है, क्योंकि पहले से बनी हुई होती है, उसके बाद ये लोग जब किसी एक बड़े स्टेशन से चढ़ते हैं तो उसके बाद वो कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से और फिर सर्व करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो गर्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ताज़ी नहीं बन रही, जहाँ तक मुझे आइडिया है या जहाँ तक मुझे समझ में आई ये बात। अब लाहौर से निकल आए, और लाहौर के साथ ही दरियाए रावी भी आ गए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऑब्वियसली लाहौर में रावी ही आता है।
अच्छा भाई समोसे ट्राई कर लिए, आलू के समोसे थे और जो है, लेकिन अगेन समोसे ठंडे थे तो मज़ा नहीं आया। और सर्विस जो है आप कह सकते हो यार बस गुजारा ही है, कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। जो ग्रीन लाइन से तवक्कोआत थी वो तवक्कोआत पूरी नहीं हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा भाई दोबारा लेट गया, और लेटने का सीन तो बन रहा है बार बार लेकिन सो नहीं पा रहा, और सोने के लिए जगह भी प्रॉपर है और मौके भी हैं लेकिन जो है बच्चे साथ हैं, फैमिली है, तो ऑब्वियसली वो वाला टाइम मिल नहीं पाता। किसी ना किसी को कोई ना कोई वजह से कोई ना कोई ज़रूरत पेश आ जाती है तो फिर उठना पड़ता है, और फिर बच्चे भी हैं, एक आध घंटा बंदा लेट भी जाए तो फिर दोबारा उठना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से या कोई दरवाज़ा नॉक कर देता है, तो ये सारी वजूहत के बिना पे जो है ना वो बार बार उठना पड़ रहा है, वो नींद हो नहीं पाई है। रात को भी काफ़ी लेट सोए थे क्योंकि जब हैदराबाद में किसी से मिलना था तो हैदराबाद ही इतना लेट आया, आई थिंक 1:30 बजे करीब हैदराबाद आया। उसके बाद फिर जो है वो हैदराबाद से जब निकली तो उसके बाद फिर सोए, लेकिन उसके बाद भी फिर बहुत ज़्यादा नींद नहीं हुई। फिर 7:30 बजे जो है तकरीबन वो नाश्ता देने के लिए आ गया था तो उस वक्त उठ गया, तो ये सीन चल रहा है सुबह से और अभी भी यही हालत है। और अब तकरीबन 8:36:37 हो रहे हैं और मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है पिंडी पहुंचने के लिए, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पिंडी है। तो लेट्स सी, अल्लाह करे ये सारी चीज़ें सारे मामलात अच्छे रहें। और ये है कि ट्रेन का सफ़र है, और ट्रेन का सफ़र जो है वो वाकई में एक सफ़र भी होता है और बंदा थक भी जाता है, और अगर फैमिली के साथ हैं बच्चे भी हैं साथ में तो फिर थोड़ी सी थकावट ज़्यादा हो जाती है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास बर्थ भी मौजूद है, जैसे मैं लेटा हुआ मैंने पहले ही बताया, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह से आराम नहीं हो पाया, और फिर ट्रेन भी ऊपर से लेट हो गई है, रात का टाइम है तो बंदा थोड़ा सा वैसे ही इरीटेट हो जाता है। बट एनीवेज अल्लाह का शुक्र है ये तकरीबन मैक्सिमम सफ़र तो गुजर ही गया, जो थोड़ा बहुत 1.5 घंटे का बाकी है इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा और बाकी सारे मामलात भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ही बता दूं कि वो जो हमारे जो बोगी है, जो हमारा हमारी जो कोच है, उसका जो बाथरूम था वो कोई इतना ख़ास नहीं था जिसमें नॉर्मल जो बाथरूम है जो होता है, और जो दूसरा वाला है WC वाला है वो प्रॉपर था, वो सही था जिस तरह नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके बराबर में हमारे डब्बे के बराबर में जो पार्लर का जो नया डब्बा है उसके बाथरूम जो है वो अच्छे थे, और वही बाथरूम हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम वही वाला बाथरूम यूज़ किया, ये वाला भी यूज़ किया, इतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से वो सारी चीज़ें नहीं हैं। पुराना डब्बा है तो उसके हिसाब से बाथरूम बना हुआ है, और जो नया वाला डब्बा है उसके बाथरूम थोड़े से बेहतर हैं। तो ये भी बताना चलूँ क्योंकि मैंने पहले दिखाया था इस वाले डब्बे का बाथरूम दिखाया था, उस वाले का नहीं दिखाया, तो उसके बाथरूम कदरे बेहतर हैं इस वाले डब्बे के बाथरूम से। ये जो पार्लर कार है उस डब्बे का बाथरूम है, ये पार्लर कार के डब्बे का बाथरूम है, और ये कदरे बेहतर है। अभी तो खैर लोगों ने यूज़ करने के बाद इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लेकिन ये कि वैसे ये कदरे बेहतर है। अच्छा भाई फाइनली जो है वो पिंडी पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे। अभी चकलाला स्टेशन से निकले, 10:33 हो रहे हैं तकरीबन, सो 10:40 के करीब इंशाल्लाह पिंडी स्टेशन पहुंच जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे का अगर टाइम था ये पहुंच रही है तकरीबन 10:40 के ऊपर, तो तकरीबन जो है वो 2.5-3 घंटे के आसपास जो है वो लेट है। इतनी लेट नॉर्मली हो ही जाती है पाकिस्तान की ट्रेनें, और जब भी हमारा ट्रेन का एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ट्रेन में, अभी लास्ट टाइम जो मैंने सफ़र किया था वो 2019 के अंदर सफ़र किया था, 2019 के अंदर, सो तकरीबन 3.5 साल हो गए, सो उसके बाद अब जाके सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रेन का जो लेट होने वाला जो चक्कर है ना ये ख़त्म नहीं होके दे रहा। तो ट्रेन हमेशा तकरीबन लेट ही होती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि ट्रेन टाइम के ऊपर पहुँच जाए, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा ही हो रहा होता है कि ट्रेन लेट ही पहुँचती है। आई डोंट नो क्या मसला है, क्यों इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ग्रीन लाइन भी एक्सपीरियंस कर ली, और ग्रीन लाइन भी जो है वो अब तकरीबन 2.5-3 घंटे लेट ही पहुँच रही है, और सर्विस के हवाले से ही मैंने आपको पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर लिया आपके साथ, सो आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह की सर्विस होती है ग्रीन लाइन के ऊपर, सो आपको भी एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेरा जो है जो एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। 5-6 मिनट रहेगा इंशाल्लाह बस पहुँच जाएँ, और उसके बाद फिर आगे का सफ़र है। सामान लोड हो गया भाई रेडी के ऊपर। तो ट्रेन जो है वो चल पड़ा है, अब ये जाएगी मारकला, यहाँ से लोग पिंडी उतर गए, मारकला तक जाती है।
होपफुली आपको ये जो पूरा एक्सपीरियंस शेयरिंग है, जो आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की ग्रीन लाइन का जो एक्सपीरियंस, सो होपफुली यू लाइक ऑल द एक्सपीरियंस शेयरिंग और होपफुली यू लाइक द वीडियो। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।